नमस्कार। आप लोग सबका स्वागत है इस सीरीज ऑफ एनर्जीज, जिसमें हम एनर्जीज का डिस्कशन करेंगे एंड किस तरह से एनर्जी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वायु एनर्जी, विंड एनर्जी। जैसे कि पिछली बार हमने ये बात किया था कि हमारे शरीर में जो भी फिजिकल रूप में जो भी डिजीज दिखाई देती है वो किसी न किसी एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती है। आज अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो इसका मतलब हमारी कोई ना कोई एनर्जी में बैलेंसिंग या हार्मनी की जरूरत है। जैसे हमने समझा था कि फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड दोनों ही हमारे अंदर है। जो डिजीज आती है वो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको हम एक्सरे से, एमआरआई रिपोर्ट से, सोनोग्राफी से, इससे हम जान पाते हैं। तो जो कुछ हमें दिख रहा है वो फिजिकल रूप है, बट इसके पीछे मेटाफिजिकल की एक चेन है। तो इसके लिए हमारा ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि किस तरह से एनर्जीज हमारे शरीर को प्रभावित करती है। कहा जाता है कि हम पंच तत्वों से बने हैं और एक दिन हम इसी में विलीन हो जाएंगे। तो ये पंच तत्व भी फिजिकल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, बिकॉज कुछ भी चीज जो हम पांच सेंस ऑर्गन से या सिक्स सेंस ऑर्गन से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है। तो जब एनर्जीज की बात करते हैं वो तत्वों से ऊपर है। जिस तरह से हम ये जानते हैं सिक्स एनर्जीज हमारे सुजोग साइंस में, इस सिक्स एनर्जी का ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। हर एनर्जी के ऊपर अगर टाइम स्पेंड किया जाए तो हफ्तों लग जाते हैं एक एक एनर्जी के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो सेशंस है हमारे कॉमन पब्लिक के लिए है जिनको सुजोग नहीं मालूम है, तो उसके हिसाब से मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी ताकि आप इसको अपने लाइफ में यूज कर सको। ट्रीटमेंट के छोटे छोटे जो हमारे टिप्स हैं वो आप इसको यूज कर सके। विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो विंड एनर्जी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन सी छह एनर्जीज हैं, जिसमें से विंड एनर्जी, वायु, अग्नि, फायर जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं, हीट एनर्जी, देन हॉटनेस एनर्जी, ह्यूमिडिटी एनर्जी, ड्राइनेस एनर्जी, कोल्डनेस एनर्जी। तो ये छह एनर्जीज जो हैं ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाउ जैसे कि हम जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगी कि कैसे एनर्जीज हमारे शरीर में दिखती हैं, आप कैसे समझ सकते हो। विंड, वायु, क्या समझ में आता है? वायु क्या है, विंड क्या है? इससे आप इंस्टेंट जो ग्लिम्स प्राप्त करते हैं वो है हलचल, मूवमेंट। जो विंड एनर्जी है वो कभी भी रुकती नहीं है। एक्चुअली हमारे इस दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट हो रहा है सब में मूवमेंट है, सब में हलचल है। लेकिन कोई कोई हलचल जो है वो दिखती है, कोई फास्ट होती है, कोई बहुत सटल रूप में होती है, कोई मॉडरेट रूप में होती है। वायु एक ऐसी एनर्जी है, विंड एक ऐसी एनर्जी है जो निरंतर निरंतर चलती है, जिसका हम आभास कर सकते हैं। आप अगर पेड़ के पत्तों को देखें, थोड़े थोड़े वो हिलते रहते हैं। इवन आंधी, आंधी तूफान में तो विंड एनर्जी का आभास हो ही जाता है। लेकिन अगर आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, तो भी वो पत्ते थोड़े थोड़े हिलते रहते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है, वो है मूवमेंट, और एक्टिविटी और रीबर्थ। तो विंड एनर्जी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग आगे की सिक्स जो आगे की जो एनर्जीज है हेडलाइन में बता देती हूँ। जैसे कि हीट एनर्जी, जैसे कि आप गर्मी, हीट बोलते ही आपको गर्मी का एहसास होने लगता है, हीट एनर्जी। और फिर थर्ड एनर्जी है हॉटनेस एनर्जी, जो अग्नि की ही हीट एनर्जी की ही आप बोल सकते हो, बहन भाई जैसे है, पर वो प्रचंड रूप है। जिस तरह से सूरज, आप हॉटनेस एनर्जी की जगह आप ये समझ सकते हैं सूरज। लेकिन बड़ा फर्क है, हीट और हॉटनेस में बहुत फर्क है। हीट जैसे आप किचन में आप जो आग जलाते हैं वो हीट एनर्जी हो गई,
और जो सूरज है वो पूरे ब्रह्मांड को गर्माहट देता है, और किचन की जो आग है वो खाली किचन को गर्माहट देती है, या जो आप घर के अंदर फायर जला रहे हैं वो उसकी गर्माहट जो है सिर्फ घर को मिलती है लेकिन बाहर नहीं मिलती है। तो हमें समझना है कि हीट एंड हॉटनेस सुनने में तो आग अग्नि जैसे लगता है, लेकिन दोनों में ही ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हॉटनेस एनर्जी सूरज के जैसे पूरे ब्रह्मांड को गर्माहट देना, हॉटनेस में हीट से ज्यादा एक्सपेंशन होता है। फिर आता है ह्यूमिडिटी एनर्जी, जिसमें आर्द्रता कलेक्शन यस और थोड़ा सा लिक्विडिटी का आभास होता है। देन आती है ड्राइनेस एनर्जी, सूखापन एंड कोल्डनेस एनर्जी। हमारे आप सीजन्स, क्योंकि हम आज जो चर्चा करेंगे विंड एनर्जी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूनिवर्स में एनर्जीज का क्या खेल है। आप सीजन देख लीजिए, यस सीजन, स्प्रिंग सीजन जिसको हम विंड एनर्जी के अंतर्गत रखते हैं। स्प्रिंग सीजन जो है सर्दियों के बाद आता है, सर्दियां जो होती है, ठंड जो होती है, उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन पावर होता है। आप अपने शरीर को कवर करना चाहते हैं, ठंड में आप में कॉन्ट्रैक्शन पावर आ जाती है ना, और जो आपकी एक्टिविटीज है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। जिस तरह से बोलते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो जैसे ही सर्दियों का सीजन खत्म होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, और धीरे धीरे आपका शरीर खुलने लगता है और सृजन कार्य शुरू होता है। जिस तरह से आप पेड़ पौधे पत्ते फूल कलियां खिल उठती हैं, तो एक तरह से रेजुवेनेशन होता है, रिक्रिएशन होता है ना। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो विंटर के बाद आती है, जिसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। फूल पत्तों की बात करते ही विंड का एहसास होने लगता है, बिकॉज फूल पत्ते हमें बहुत ही अच्छे से बता देते हैं कि हवा में हलचल है, विंड मूव हो रही है। सो विंड एनर्जी, फिर हीट एनर्जी आती है, तो स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन आता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से समझ में आता है कि यूनिवर्स में सिक्स एनर्जीज कैसे डांस कर रहे हैं। समर सीजन आया, अब समर सीजन में भी पड़ाव होता है। एक तो समर जब शुरू में स्टार्ट होता है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन होता है फेब्रुअरी और मार्च में आया है ना, बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहता है। और फिर उसके बाद आए अप्रैल मई जून जुलाई, यस फिर स्टार्टिंग समर आता है और हॉटनेस जून जुलाई हो गया, वो एक्सपेंशन हो गया। वो गर्मी का जब पीक, गर्मी समर सीजन का जब पीक टाइम होता है तो वो आपका समर सीजन होता है ना। तो आप समझ सकते हैं ये हॉटनेस है। अब ह्यूमिडिटी क्या हुई है ना, आर्द्रता जिसको हमने बोला। अब हॉटनेस सीजन के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आ जाता है। तो रेनी सीजन क्या हुआ हमारा, ह्यूमिडिटी एनर्जी हुआ। फिर उसके बाद ऑटम सीजन आता है। देखिए कितना सुंदर साइकिल है यूनिवर्स का। सो ऑटम सीजन आता है, पतझड़ आता है, ड्राइनेस एनर्जी होती है, जो डाली होती है, स्टेम्स होती हैं ड्राई हो जाती है। उसके बाद फिर से कोल्डनेस सीजन, विंटर सीजन आता है और फिर स्प्रिंग सीजन। तो ये देखिए हमारे एनवायरनमेंट में एनर्जीज है। कभी हमें गर्मी लगती है, कभी हमें सर्दी लगती है, कभी पसीना आता है ना। तो ये सब, कभी सूखापन भी महसूस होता है। तो ये सारी एनर्जीज हमारे शरीर में भी है, बिकॉज हम यूनिवर्स के हिस्से हैं। अगर हम यूनिवर्स के हिस्से हैं तो ये एनर्जीज भी हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स से अलग तो नहीं है ना। हमें पहले अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझना है। मेडिकल वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे से आजकल इतने सारे वेबसाइट्स हैं और गूगल में इतनी इंफॉर्मेशन है कि फिजिकल लेवल पे हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, बट इस ऑर्गन के पीछे कौन सी एनर्जीज हैं जो इन्हें दिन रात चलाती है ना, इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस तरह से छह एनर्जीज हैं। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर ये सारे के छह सीजन अंदर हैं, बिकॉज हम क्या है, हम यूनिवर्स के हिस्से हैं। तो ये सारे छह सीजन हमारे शरीर के अंदर है। अगर ये छह सीजन नॉट मॉडरेट है तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आती है, इसमें साइकिल होता है। मॉडरेट है और इसमें कोई अधिकता नहीं है और कमी नहीं है तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से चलता है। अब ये जो छह हमारे सीजन है, ये जो हमारे इंटरनल सिक्स एनर्जीज है वो है क्या, है ना। ये एनर्जीज हमेशा, आप अगर आप एनर्जीज को पहचानना चाहेंगे तो हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है ना, वो ऑर्गन्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको ऑर्गन्स के विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज हैं और आप समझ सकते हैं। अब देखिए हार्ट है, लीवर है,
स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, ऑर्गन्स है ना, पर हर ऑर्गन अलग अलग तरीके से काम करता है. लीवर अलग तरीके से काम करता है, हार्ट अलग तरीके से काम करता है, ब्रेन अलग तरीके से काम करता है. ऑर्गन तो सारे ऑर्गन ही है, बट काम करने के तरीके अलग हैं. इनके काम करने के जो तरीके हैं और काम करने का जो दायरा है ना, वो सब अलग अलग है. तो ये हमें बताता है ऑर्गन के, जब हम काम करने के तरीके देखते हैं, मेडिकल साइंस जब काम करने के तरीके देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि कोई तो फोर्स ऐसी है पीछे जिसके वजह से ऑर्गन अलग काम करता है, हार्ट अलग काम करता है और ब्रेन अलग तरीके से काम करता है. तो वो कैसे काम करता है अलग तरीके से, है ना? तो इसका मतलब उसकी संरचना भी ऐसे हुई है और उसका जो अंदर का ढंग है ऑर्गन, ईश्वर ने बड़े सुंदर तरीके से बनाया है. तो मतलब वो ऑर्गन दिन रात काम कर रहे हैं, तो विभिन्न तरीके की फोर्सेस है. तो ये ऑर्गन अपने आप में किसी एनर्जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? तो हमें ये समझना है. अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम अपने शरीर को बहुत अच्छे से पहचानने लग जाएंगे. मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पहचानते ही हो, है ना? इतनी सारी इंफॉर्मेशन है. सो अब हमारे गुरु ने, प्रोफेसर पार्क जेवू ने बताया कि शरीर जो है हमारा, हाथ और शरीर बिल्कुल समान है, है ना? क्योंकि हमें फाइनली ये पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, पढ़ने का हमारा मकसद ये है, इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम शरीर को समझकर हम अपना इलाज कर पाए. तो ये ब्यूटी हमारे पास है. पहले तो हम समझेंगे, ये सीरीज हमारी बहुत सुंदर सीरीज है जिसमें आप सब अच्छे से शरीर को समझेंगे. तो हाथ जो शरीर के बिल्कुल समान है, तो इसका मतलब जो कुछ हमारे शरीर में है, चाहे हम ऑर्गन की बात कर लें, चाहे हम पंच तत्वों की बात कर लें, चाहे हम एनर्जीज की बात कर लें, तो जो कुछ हमारे शरीर में है वो हमारे हाथ में भी है. तो हमने अगर सिक्स एनर्जीज की बात करी, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, सो उसका रिप्रेजेंटेशन भी हमारे हाथ में मिलेगा. बिकॉज ये लाइन बहुत क्लियर है जिसको आप डे वन से ही अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लीजिए कि ईश्वर ने हमारा शरीर बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो हाथ है और शरीर है वो बिल्कुल समान, और हाथ शरीर के बिल्कुल समान है. यस, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा अपने प्रीवियस सीरीज से कि ये हमारा जो ट्रंक है. बिकॉज एनर्जीज को जानने के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है ना? फिजिकल शेप को पहले हम देखते हैं और फिजिकल के पीछे मेटाफिजिकल की क्या परछाइयां हैं वो हम समझते हैं. तो ये हमारा जो ट्रंक है, ये हमारा ट्रंक है. जिस तरह से हमारे बॉडी में ट्रंक से 5 प्रोजेक्शंस निकले, सिर, 2 हाथ, 2 पैर, उसी तरह से हमारे हाथ में ये बीच की 2 उंगलियां पैर हो गई, साइड 2 फिंगर्स आर्म्स हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, सर हो गया. ओके, तो अब इस शरीर के अंदर, यस, हमारे जो महान ऋषि मुनि थे वो कहा करते थे 72 लाख नाड़ियां हैं. मेटाफिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से उसको समझा, और हमारे शरीर में चक्रास है, अजना चक्र है, विशुद्धा है, अनहाता है, मणिपुरा, स्वादिष्ठाना, देन मूलाधारा, सोलार चक्र है. सो ये चक्र आप देखेंगे ना, अगर आप शरीर को खोलेंगे तो ये कोई शेप अंदर नहीं मिलेगी. अगर आप बॉडी को पोस्टमार्टम करेंगे तो अंदर ये सब नहीं दिखेगा आपको. लेकिन हमारे जो गुरुओं ने, एंशियंट मास्टर्स ने देखा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी पूल्स हैं. तभी तो आप देखिए योगा में, मेडिटेशन में आप ये चक्रास पढ़ते हैं. ये चक्र क्या है? ये चक्र एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एनर्जी पूल्स है. और यहाँ तक कि साइंस ने भी जाना है कि यहाँ पे नर्वस प्लेक्सस है, बहुत सारी नर्व्स का गुच्छा है जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का ओशन जो है वो हमें एक्सप्रेस करता है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. सो इस सब की इंफॉर्मेशन, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे शरीर में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी सबकी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है. यस, सो विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हमारे शरीर में विंड एनर्जी है. लेकिन कौन से ऐसे ऑर्गन है? बिकॉज ये आप समझ लीजिए, एनर्जी को तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे शरीर में लीवर और गॉल ब्लैडर एक ऐसे 2 ऑर्गन हैं जो विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं. लीवर ऑर्गन स्ट्रक्चर कहने के लिए तो आप
फिजिकल बोल सकते हैं, ठोस है, स्ट्रक्चरली फिजिकल दिखता है, लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी है वो विंड की है, मूवमेंट की है, रेजुवेनेशन की है। हमारे शरीर में एक ये लीवर इतना सुंदर ऑर्गन है, तरह तरह के ऑर्गन है हमारे पास, बट लीवर ऐसा है जो रेजुवेनेशन की पावर रखता है। जिस तरह से आप नेचर पंच तत्वों की बात करते हैं, तो हम विंड एनर्जी को वुड एलिमेंट से भी जोड़ सकते हैं। वुड एलिमेंट, जैसे हम वुड एलिमेंट की बात करते हैं तो नेचर का ध्यान आता है, हरियाली का ध्यान आता है, ग्रीनरी का ध्यान आता है, है ना। तो लीवर में एक वो ब्यूटी है, हरियाली, ग्रीनरी। जिस तरह से आप घास को काटे, आज अगर आप घास को काट दें और कल अगर आप देखें तो वो घास दोबारा उगाती है, इतना जल्दी नेचर में रिक्रिएशन और रेजुवेनेशन की पावर है। फूल, पौधे, पत्ते आप काटते जाइए और वो ईश्वर इतना दयालु है कि नेचर में इतनी बरकत दी हुई है, आप काटते जाइए वो उगता जाता है। यही तो अमीरी है ना। तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे पास फल फूल और हमारे पास फल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नेचर से, ग्रीन से, वेजिटेबल से आता है। थैंक्स टू दिस रेजुवेनेशन पावर, जिसकी वजह से आज हम सब लोग जिंदा हैं, लिविंग बींग्स को एक जीने का एक स्रोत मिला हुआ है। सो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें रेजुवेनेशन की पावर है? जिस ऑर्गन में भी ये रेजुवेनेशन की पावर आ जाए, तो समझ जाना कि वो ऑर्गन के पीछे विंड एनर्जी का एक, जिसको बोलते हैं ना, विंड एनर्जी का वो सोर्स पीछे है। सो लीवर, मेडिकल साइंस भी समझती है, आप भी समझते हो, लीवर बहुत जल्दी रेजुवेनेट हो जाता है। आप काट देंगे थोड़ा सा पीस तो वो फिर से रेजुवेनेट हो जाता है एंड सबसे जल्दी रिकवर हो जाता है। सो फिजिकल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लीवर को समझ जाएंगे, अगर आपका लीवर हेल्दी है तो आपके अंदर विंड एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। और विंड एनर्जी का जो हमने क्वालिटी एक मैंने बताई थी, मूवमेंट विंड एनर्जी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ है। तो आज अगर आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारी विंड एनर्जी में कहीं ना कहीं हार्मनी की जरूरत है, लिवर ऑर्गन का ध्यान रखने की जरूरत है, है ना। हालांकि जब हम सुजोग पढ़ते हैं, बहुत गहराइयों में पढ़ते हैं, तो इसके एक्चुअली बहुत डीप मीनिंग्स भी हैं। हमारे अंदर फंक्शनल विंड भी है, स्ट्रक्चरल विंड भी है। फंक्शनल विंड में हम लंग को भी हम विंड का एक ऑर्गन मानते हैं, लंग विंड के अंदर भी हम पढ़ते हैं, बिकॉज विंडी ऑर्गन है, विंड यहाँ पर रहती है। सो लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड लिवर एंड गॉल ब्लैडर, बट बिगनर्स के लिए अभी फिलहाल इतना ही जान ले, बिकॉज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ये बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। सो लीवर एंड गॉल ब्लैडर जो ऑर्गन है विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे शरीर में मूवमेंट की कमी है, मूवमेंट की कमी है, तो समझ जाइए कि हमें विंड एनर्जी को हार्मोनाइज करना है। लीवर ऑर्गन, ऑफ कोर्स हमारे ऑर्गन्स फिजिकल एंड मेटाफिजिकल दोनों ही टूल्स हैं हमारे पास। हर एक ऑर्गन से, हमने पिछले फ्राइडे चर्चा किया था कि हर एक ऑर्गन से एक तार निकलती है, एक तार निकलती है, एक आप इमेजिन कर सकते हैं बल्ब एक ऑर्गन के जैसे, और बल्ब के पीछे की तार। कई बारी बल्ब टूट जाता है और तार अच्छी होती है, और कई बारी तार अच्छी रहती है ना, और बल्ब टूट गया, और कई बारी बल्ब अच्छा रहता है और तार में कोई डैमेज आ गया, वाइस वर्सा। सो हमें दोनों पर काम करना होगा। आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम अपनी बॉडी में स्फूर्ति मेंटेन करना चाहते हैं, एक्टिविटी मेंटेन करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो हमें अपने विंड रिलेटेड ऑर्गन और विंड से जुड़ी हुई तार, जिसको हम लिवर मेरिडियन के नाम से भी पहचानते हैं। सो लिवर मेरिडियन हम उसको एक एक करके बताएंगे कि आज मैं कॉरेस्पॉन्डेंस लिवर के पॉइंट्स बताती हूँ आपको। और ये विंड एनर्जी से रिलेटेड हम आने वाले टाइम में, शायद हो सकता है कि एक एनर्जी के ऊपर हम दो या तीन बार बात करें। तो अब जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ, कोई ऐसा इंसान है जो वो बोले कि
सुबह उठ के, मुझे जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो मुझे फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है, मुझे थकान होती है, मेरे बॉडी में वीकनेस होती है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काम करने लगती हूँ, चलने लगती हूँ, फिरने लगती हूँ, तो दोपहर तक या शाम तक मेरी एनर्जी अच्छी हो जाती है, बट सुबह मैं बहुत वीक फील करती हूँ, लेथार्जी फील करती हूँ। तो ये बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए, बिकॉज देखिए रात का टाइम होता है, लीवर ऑर्गन इसमें मैक्सिमम इसकी मेरिडियन की जो लीवर मेरिडियन है बहुत एक्टिव होती है, और अगर लीवर ऑर्गन हेल्दी है, मेरिडियन भी हेल्दी है, तो वो टॉक्सिन, बॉडी के टॉक्सिन को बहुत अच्छे से रात को क्लियर करती है। लेकिन अगर लीवर ऑर्गन हेल्दी नहीं है और उससे कनेक्टेड जो मेरिडियन है वो भी, उस पर भी फर्क पड़ेगा, तो टॉक्सिन बॉडी में फ्लोट होते हैं, टॉक्सिन क्लीन नहीं होने की वजह से हम मॉर्निंग में थके हुए महसूस करते हैं, बॉडी में वीकनेस महसूस करते हैं, मूवमेंट करने का मन नहीं करता है, है ना। सो कभी भी ऐसा समझ में आ जाए तो हमें ये जान लेना है, कोई भी दुनिया में किसी भी इंसान को मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे मूवमेंट ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में हमें लिवर ऑर्गन और लिवर मेरिडियन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम लिवर मेरिडियन की बात करते हैं तो लिवर मेरिडियन के साथ एक कपल ऑर्गन भी होता है, गॉल ब्लैडर। हमारे शरीर में अंदर जो ऑर्गन्स हैं ये भी हमें समझ लेना चाहिए, बिकॉज आने वाले सीरीज में तो आप हर चीज को बहुत गहराइयों से समझ जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बहुत गहराइयों तक जाएंगे, बिकॉज हमारा मिशन एक्चुअली यही है कि आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझ पाओ और इसका इलाज कर सको। और कई बार जब हम समझ आते हैं तो इलाज करने से पहले ही, जब हम समझ आते हैं और हम अपने ऑर्गन का ध्यान रखने लगते हैं, तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाती है। सो हमारे शरीर के अंदर जो तरह तरह के ऑर्गन हैं वो बड़े प्यार से मिलजुल के अंदर रहते हैं, जिस तरह से हमारे अंदर भी रिश्ते होते हैं, हमारे परिवारों में रिश्ते होते हैं, हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, वाइफ होगी, हस्बैंड होएगा, एंड फिर हमारे बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर हमारे सोसाइटी में हमारे ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है, हमारे नीचे काम करने वाले सर्वेंट्स होते हैं, हमारे क्लर्क्स या हमारे नीचे जो भी, कोई ना कोई तो हमारे ऊपर होता है और कोई ना कोई हमारे नीचे होता है, और दूसरा हमारे रिश्ते होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी यही व्यवस्था है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, यस, और ऑर्गन्स रहते हैं, तो हर एक ऑर्गन का और हर सेल का किसी ना किसी सेल के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता, माँ बाप और कपल रिश्ता हो गया, और पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, है ना, और इसी तरह से बॉस का हो गया, सर्वेंट का हो गया। तो ये रिश्ते जो हैं इंटरनली हमारे अंदर ऑर्गन्स में भी बहुत ही ब्यूटिफुल ये रिश्तेदारियां हैं, तभी तो ये मिलजुल के काम करते हैं। कोई हस्बैंड है तो कोई वाइफ का काम कर रहा है, कोई हस्बैंड का काम कर रहा है, कोई मदर का काम कर रहा है। सो ये भी हमें समझना है, बिकॉज धीरे धीरे जब हम ये इन पहलुओं को टच करते जाएंगे तो ये गहराइयां भी खुलती जाएगी। जिस तरह से आज हमने लीवर की बात करी, तो लीवर आज स्ट्रॉन्ग इसलिए है, लीवर आज हेल्दी इसीलिए है क्योंकि इसके रिश्ते जो हैं वो भी बहुत हेल्दी है। लीवर की भी कोई ना कोई मदर है अंदर, लीवर का भी कोई ना कोई सन है अंदर, और लीवर की भी, लीवर एक फीमेल ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन है, और इसका भी एक कपल ऑर्गन है, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह है। तो ये रिश्ते भी, नेबर्स, आस पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए लीवर स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। सो क्योंकि हम विंड एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लीवर ऑर्गन का जो कपल है वो है गॉल ब्लैडर, लीवर के साथ ही लगा होता है। सो गॉल ब्लैडर जो होता है वो एक हॉलो ऑर्गन है और लीवर सॉलिड ऑर्गन है। हमारे साइंस में सॉलिड ऑर्गन जो होता है वो जो सॉलिड ऑर्गन होता है उसको हम फीमेल ऑर्गन कहते हैं, और हॉलो ऑर्गन होता है उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, है ना। सो हमें, क्योंकि हमें दोनों का समझना होगा, इसी तरह से हमारे बिकॉज जब हम विंड की बात करेंगे, जब हम आने वाले टाइम पे विंड डिजीजेस की बात करेंगे, तो विंड से जुड़ी हुई बीमारियां, कुछ बड़ी पुरानी बीमारियां होती हैं और कुछ एक्यूट होती हैं। इसी तरीके से हमको सोचना है कि कौन सी बीमारी हस्बैंड के अंतर्गत आती है, कौन सी बीमारी वाइफ के टेरिटरी में आती है। तो हस्बैंड एंड वाइफ का जो हम रिश्ता बताते हैं, हमारे प्रोफेसर, हमारे गुरु ने इसको
मेल और फीमेल को समझाने के लिए वो मंत्रा के लेटर्स यूज किया करते थे, आ एंड उम। आ एक्सपेंशन, जब आपका मुंह पूरा ओपन होता है आ, तो ये है हॉलो, आ एक्सपेंशन हॉलो। यांग, यांग का आभास देता है, हॉलो ऑर्गन का आभास देता है, लेकिन जब हम क्लोज माउथ से करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन सॉलिडिटी है ना, तो इसका आभास देता है। तो हमारे विज्ञान में, हमारी सुजोग साइंस में जितने भी सॉलिड ऑर्गन हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गन, और जितने भी हॉलो ऑर्गन हैं उनको हम बोलते हैं आह ऑर्गन। तो ये आप दो वर्ड को याद कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में जितने भी हम एनर्जीज पढ़ेंगे, जब मैं आ एनर्जीज बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं मेल एनर्जीज की बात कर रही हूँ। और इसके साथ हम एक और वर्ड भी बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो में हम मेल एनर्जीज की बात करते हैं, और होमो, होमो में हम फीमेल एनर्जीज की बात करते हैं। सो आ और उम, ठीक है, तो ये बात, ये शब्दों का हम उपयोग करेंगे। तो हमारे शरीर में आ विंड है, जिसको गॉल ब्लैडर के साथ जोड़ा जाता है, और हमारे शरीर में उम विंड है, जिसको हम लीवर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट है, स्पेशली बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हम मूवमेंट से पहले समझते हैं, बिकॉज विंड जैसे कि मूवमेंट का आभास देता है। सो जब भी कोई क्रॉनिक बीमारी होती है, बहुत ओल्ड बीमारी होती है, तब हम विंड के ऊपर काम करते हैं, और जब कोई बीमारी एक्यूट होती है, सडन होती है, उसमें हम आ विंड के ऊपर काम करते हैं। तो लीवर और गॉल ब्लैडर विंड एनर्जी के स्टोर हाउस है, यू कैन से लाइक दिस आल्सो, है ना, जहाँ पे इस ऑर्गन के अंदर विंड एनर्जी का स्टोरिंग होता है। और ये जो ऑर्गन है एक तरह से फैक्ट्री के जैसे है, यहाँ पर विंड एनर्जी का स्टोरिंग होता है, क्रिएशन होता है, और फिर ये ऑर्गन एनर्जीज जो है देता रहता है। लेकिन हमारी एनर्जीज डायरेक्ट लिवर और गॉल ब्लैडर में नहीं आती है, डायरेक्ट नहीं। इसका बहुत ही सुंदर एक्चुअली एनर्जीज वर्ल्ड में आप जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे शरीर में इसकी व्यवस्था है। जब यूनिवर्स से हम एनर्जीज लेते हैं तो ऑर्गन डायरेक्ट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट एनर्जीज नहीं लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछले सीरीज में बताया था कि आप इमेजिन करिए कि हर ऑर्गन के साथ कोई ना कोई तार जुड़ी हुई है, और उस तार से एनर्जी अंदर आती है। तो अगर मैंने कहा कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर स्टोर हाउस हैं, विंड एनर्जी के स्टोर हाउस है, तो ये एनर्जी कैसे आती है ना। और विंड लिवर एंड गॉल ब्लैडर ऑर्गन में नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि सारे ऑर्गन्स एनर्जी रिसीव करते कैसे। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में समझाना चाहूंगी, बिकॉज आने वाले सीरीज में हम इसकी गहराइयों को टच जरूर करेंगे, बट अभी जब मैं ये लेक्चर दे रही हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये बात है कि इसको कॉमन पब्लिक सुन रही है जिसको सुजोग नहीं मालूम है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब लोग जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर चक्रास हैं, इंटरनल चक्रास, मैंने अभी आपको बताया था। बट ये जो इंटरनल चक्रास हैं, क्योंकि आ एंड फिनोमेना है, मेल एंड फीमेल फिनोमेना है, यांग एंड यिन फिनोमेना है, तो अगर इंटरनल चक्रा है, अंदर है, वो एक तरह से हमारे यस फीमेल टाइप के चक्रास हो गए जो अंदर है, लेकिन हमारे बाहर भी चक्रास है ना, बिकॉज मेल फीमेल के बिना अधूरा, फीमेल मेल के बिना अधूरा। तो दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। तो हमारे, आप देखिए साइंस में या आप गूगल में जाएंगे तो आपको इंटरनल चक्रास का ज्ञान मिलेगा। आप कोई भी साइट खोल लीजिए, चक्रास को टाइप कर लीजिए, मिल जाएगा। ये एक तरह से फीमेलिश चक्र हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, होमो चक्रास है। लेकिन हमारे बॉडी में अगर फीमेल है तो मेल, मेल एंड फीमेल तो साथ होंगे, तो हमारे बॉडी में एक्सटर्नल चक्रास भी है। यस, प्रोफेसर पार्क जेवो ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझाया, और वो बात सही भी है, लॉजिकल भी है ना। अगर फीमेल है तो मेल भी है, तो एक्सटर्नल चक्रास बॉडी के एकदम बाहर है ना। तो हमारे एक्सटर्नल चक्रास में, हमारे हेड के ऊपर टॉप में एक्सटर्नल हॉटनेस है, और डाउन में एक्सटर्नल कोल्डनेस है। लेफ्ट साइड डायफ्राम लाइन में, यस, यिन यांग लाइन, जिसको हम फ्रंट एंड बैक का जो सेंट्रल लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होती है, जहाँ पे आपकी
शर्ट का सिलाई होता है उसको हम यिन यांग लाइन भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फ्रंट इज यिन एंड बैक इज यांग का बॉर्डर लाइन। सो लेफ्ट साइड डायफ्राम लाइन में हमारा हीट चक एक्सटर्नल हीट है एंड राइट साइड हमारे इस लाइन में डायफ्राम लेवल पर यिन यांग लाइन पर हमारा ड्रायनेस चक्र है एंड फ्रंट साइड जहां पर हमारा सोलर चक्र सेंटर में है उसके बाहर की तरफ एक्सटर्नली ह्यूमिडिटी चक्र है एंड बैक साइड डायफ्राम लाइन के ऊपर हमारा एक्सटर्नल विंड चक्र है। सो एक्सटर्नल का भी वर्ड आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर हमारे पास इंटरनल विंड है तो हमारे पास एक्सटर्नल विंड भी होगा और हम ये आने वाली सीरीज में समझेंगे कैसे इसको यूज करना है। सो अब क्या होता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर एनर्जीज आती है, तो हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हमको लगता है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, यस, पर ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण भी ले रहे हैं, तो खाली हमारा नोज ही ब्रीद नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स नोज जो होता है वो हमारे एनर्जी, हमारी लाइफ, जिसको बोलते हैं ना ब्रीदिंग के द्वारा हमारी लाइफ एनर्जी आ रही है, बट इस लाइफ एनर्जी के साथ, इस ब्रीदिंग के साथ साथ हमारे एक्सटर्नल चक्रास भी चलते हैं साथ साथ, जो हमें दिखते भी नहीं है। ब्रीद करते हैं तो हमारा सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हर एक इनहेल और एक्सहेल के साथ हमारे स्किन के जो सारे पोर्स हैं ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। ये नाक का समझ में आता है क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं, बट मेटाफिजिकली हर एक ब्रीदिंग के साथ हमारे जो मेटाफिजिकल ब्रीदिंग है वो भी चलती है। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक हमारी फिजिकल लेवल की ब्रीदिंग है और एक हमारी मेटाफिजिकल लेवल की ब्रीदिंग है। सो मेटाफिजिकल लेवल की जो ब्रीदिंग है उसके अंतर्गत, ये भी एक बहुत वास्ट डीप सब्जेक्ट है ब्रीदिंग का, तो हमारे जो एक्सटर्नल चक्रास हैं, इस एक्सटर्नल चक्रास से हमारे शरीर में एनर्जीज आनी शुरू होती है। यहाँ से आएगी, टॉप से आएगी एक्सटर्नल हॉटनेस, एक नीचे एक्सटर्नल कोल्डनेस है, इन होती है, फिर हमारे एक्सटर्नल हीट से आएगी, एक्सटर्नल ड्राइनेस से आएगी, फ्रंट चक्रा से आएगी, बैक चक्रा से आएगी। तो जितने भी हमारे बाह्य चक्रास हैं आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक ट्यूब्स हैं, मेटाफिजिकल ट्यूब्स हैं, एनर्जीज आ रहे हैं ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, और ये सारी एनर्जीज है ना, सोलर चक्रा जो हमारे सेंटर में है, जो ब्राइटनेस और डार्कनेस चक्रा का बहुत ही सुंदर समावेश है इसके अंदर, स्पिरिचुअल चक्रा, हायर लेवल का चक्रा है, हमारे योगा में भी आप पढ़ते हो ना सोलर चक्रा। सो ये सारी एनर्जीज हमारे अंदर एक मेटाफिजिकल डीप जिसको बोलते हैं ना टनल है, पाइपलाइन है, जिसको हमारी साइंस में हम कोर मेरिडियंस भी कहते हैं। तो उस कोर मेरिडियंस से, कोर से वो सारी मेटाफिजिकल एनर्जी जो है एक्सटर्नली हम रिसीव करते हैं, हमारे सोलर चक्र में कलेक्ट होती है और फिर सोलर चक्र एक एक करके सारे इंटरनल चक्र को एनर्जी भेजता है। सबसे पहले वो भेजता है अप, एनर्जी सबसे पहले ऊपर जाएगी, असेंडिंग इस पहले असेंडिंग होगा हमेशा, है ना, असेंडिंग फिर डिसेंडिंग। सो पहले विंड चक्र जो हमारा ये अनाहता चक्र है वहां एनर्जी जाएगी, फिर हमारा नीचे मणिपुरा में आएगी, फिर हीट में आएगी, फिर ड्राइनेस चक्र में, हॉटनेस चक्र में, कोल्डनेस चक्र में। तो इस तरह का जो हमारा साइकिल है स्पाइरली, ये हमारा एनर्जीज का चलता रहता है। और उसके बाद जब चक्र एनर्जी रिसीव करता है, उदाहरण के लिए हम जैसे अभी विंड पढ़ रहे हैं, तो विंड चक्र, विंड एनर्जी है ना, लीवर हमने समझा, तो लीवर ऑर्गन का कनेक्शन विंड एनर्जी से है और विंड एनर्जी का कनेक्शन अनाहता चक्र से है, विंड चक्र से है। तो अब क्या होता है, सोलर चक्र से एनर्जी अनाहता चक्र में जाती है, विंड चक्र में जाती है। तो अब प्रोसेस देखिए, आप सीधा ऑर्गन में नहीं गई, तो ये विंड चक्र एनर्जी को सबसे पहले पाइप्स में भेजता है, जिसको हम मेरिडियंस बोलते हैं, ये पाइप्स में भेजता है, तब जाके ये एनर्जी लास्ट में ऑर्गन तक जाती है और वहां स्टोर होती है, स्टोर हाउस, ये फिर बैंक का लॉकर जैसा हो गया। तब जाके आप देखिए इतना ब्यूटिफुल मेटाफिजिकल सिस्टम है, लेकिन इसमें कोई ट्रैफिक भी नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है इसमें, तो अंदर ये स्टोर होती है और फिर ये जहां जहां यूज होनी है वहां पर ये ऑर्गन इसको सप्लाई करता है, है ना। तो अब अगर ऑर्गन हेल्दी है, वाइस वर्सा होता है, अगर ऑर्गन हेल्दी है क्योंकि एनर्जी तो निरंतर आ रही है, बट अगर ऑर्गन हेल्दी है तो वो स्टोर हाउस की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो विंड एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अगर ऑर्गन हेल्दी नहीं है तो उसको स्टोर नहीं कर पाता है
इसका मतलब तो ये हुआ जैसे कि बाल्टी में छेद हो गया और आप डालते जाइए और वो निकलता जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाती है। सो लिवर ऑर्गन का हेल्दी रहना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ताकि वो कंटेनर इसको एनर्जी को स्टोर कर सके। तो अब इस रास्ते में हमने समझा कि विंड एनर्जी के लिए विंड चक्रा चाहिए, विंड मेरिडियन चाहिए और ऑर्गन चाहिए, है ना। लीवर और गॉल ब्लैडर विंड ऑर्गन है, एंड अनाहता चक्रा जो हमारे चेस्ट में है, जिसको हम विंड चक्रा भी बोलते हैं, इसका कनेक्शन विंड एनर्जी से है, और हमारी जो मेरिडियंस हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियंस, इसका कनेक्शन हमारी विंड एनर्जी से है। और फिर भी हम हालांकि बिगनर्स समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस अगर कोई सीनियर सुन रहे हैं तो उनके लिए ये टिप हो सकता है। तो इसका कनेक्शन फंक्शनली लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी है, इसमें भी विंड एनर्जी का प्रवाह होता है। अब हमें प्लेटफॉर्म पता चल गया कि विंड एनर्जी कहाँ रहती है। अगर हमारे शरीर में विंड एनर्जी कम है तो हमें मालूम है कि हमें विंड के मेरिडियंस पर काम करना है और हमारे लीवर एंड गॉल ब्लैडर के ऑर्गन के ऊपर काम करना है। अब अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो कुछ है फिजिकल तो आप जानते हैं, मेटाफिजिकली बहुत कुछ तो आप नहीं देख पाते हो, पर मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आप माइंड की बात, सोल तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन होता तो है, लेकिन माइंड की बात करें, अगर मेटाफिजिकल की बात करें, ऐसी क्या चीजें हैं जिसको आप मेटाफिजिकल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो ऐसी कौन सी चीजें जो आप देख नहीं सकते हैं अंदर, मतलब आप सोनोग्राफी और एक्सरे में बॉडी को खोल के देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा। जैसे कि आपके इमोशंस, अगर आप अपने बॉडी को, अगर किसी को गुस्सा आता है, बहुत आता है ना, तो अगर आप बॉडी को खोल के देखेंगे तो आपको वो गुस्सा कहीं नहीं मिलेगा। अगर किसी के लीवर में सिस्ट है तो मिल जाएगा, स्टोन है तो मिल जाएगा, बीमारी जहां पे जो भी है वो मिल जाएगी, ऑर्गन की स्ट्रक्चर में कोई खराबी होगी तो मिल जाएगी, लेकिन मेटाफिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आप बॉडी को खोल दीजिए आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हम मेटाफिजिकल बोलते हैं, मतलब दिख रहा है प्रॉब्लम है बट शरीर को खोलेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये आप यहाँ समझ सकते हैं कि मेटाफिजिकल लेवल, यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि इमोशंस और थॉट्स, ये आपके थॉट्स, आपके शरीर में हजारों, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, इसको आप खोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेंगे। ब्रेन को आप ऑपरेट कर दीजिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा कि कौन सा थॉट कहाँ पर है, क्या है नहीं है, इसको हम मेटाफिजिकल बोलते हैं। सो मेटाफिजिकल लेवल पर आपका विंड एनर्जी का स्टेटस कैसा है वो भी हमें समझ में आता है। इमोशन के द्वारा हम समझ सकते हैं आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपका मेंटल लेवल कैसा है, है ना, इरिटेशन होती है कि नहीं होती है, एंगर कितना आता है, गुस्सा कम आता है या ज्यादा आता है, और गुस्सा दबा हुआ है, छुपा हुआ है, या गुस्सा बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो जाता है। सो इससे हमें समझ में आता है कि अरे इसकी विंड एनर्जी बढ़ी हुई है या घटी हुई है। बड़ा सिंपल सा मैं उदाहरण देती हूँ, एक इंसान, दो इंसान है, एक इंसान ऐसा है जो बहुत उसको गुस्सा आता है, और जब उसको गुस्सा आता है ना तो वो चीजें भी तोड़ने लगता है और हिट करने लगता है, जोर से चिल्लाता है, और बहुत उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, बॉडी मसल हार्ड हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वाली विंड है बता दो, विंड है या आव विंड है, कोई बता सकता है यहाँ पर, विंड है या आव विंड है? तो आंसर क्या होता है, ये एक्सप्रेसिव है, आव विंड है। इसका मतलब बस दो वर्ड समझ लीजिए, अगर आव विंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप समझ जाइएगा कि ये गॉल ब्लैडर है, और अगर विंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो समझ जाइए लीवर के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेसिव गुस्सा, ये हमारे आव विंड से कनेक्टेड है। और किसी का गुस्सा दबा होता है, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसके माथे पर सलवटे होती हैं ऐसे करके, और इरिटेशन होता है फेस पर, बड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब फेस को देख के आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है आउटसाइड। जो आव विंड वाला एंगर होता है तो बगल पड़ोस में जो कमरा होगा ना, वहां से भी वो नहीं भी देख रहा है, उसको समझ में आ जाएगा
कि अंदर बिग बैंग हो रहा है दूसरे कमरे में, लेकिन ओम विंड का जो गुस्सा होगा वो दूसरे बगल वाले कमरे में जो रहता है उसको समझ में नहीं आएगा, तो छुपा हुआ गुस्सा तो बहुत क्रॉनिक होता है। कई बार खासकर फीमेल्स हो गई है ना, आजकल तो फीमेल्स भी अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती हैं, लेकिन आज भी कहीं कहीं एक यू नो जगह पर कई जगह पर फीमेल्स दबी हुई होती हैं, है ना, और इस तरह का जो एंगर होता है वो अंदर ही अंदर खा जाता है, अंदर सॉलिडिटी जिसको बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर वो एक्सपेंशन की तरह आता नहीं है बाहर, तो ये एंगर हो गया। सो एंगर में लिवर का लिवर इफेक्ट होता है, आ एंगर में गॉल ब्लैडर इफेक्ट होता है। अगर हम एनर्जीज को समझ रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन प्रभावित हो रहा है, तो हम सिंपल ट्रीटमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, हम उसके ऑर्गन उसके ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। तो अब जैसे कि मूवमेंट, बिकॉज ये विंड सब्जेक्ट को हम हो सकता है आने वाली दो और दो सीरीज में तक कंटिन्यू करेंगे। जो मूवमेंट की हमने बात किया, अच्छा आप ये बताओ कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से टिश्यूज हैं या ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो हमें मूवमेंट में मदद करते हैं। विंड का कनेक्शन मूवमेंट से है, ठीक है, ये बोल्ड सेंटेंस आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो अब मूवमेंट से कनेक्टेड ऑर्गन्स की रिसर्च करते हैं। हमारे शरीर में कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जिसके वजह से, या कौन से पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में मूवमेंट आती है। आज अगर मैं हाथ को ऐसे मूव कर रही हूँ, ठीक है, हाथ को मूव कर रही हो ना, तो किसके वजह से मूव कर रहे हैं? क्या किडनी की वजह से मूव कर रहे हैं आप हाथ? यस, या यूट्रस की वजह से मूवमेंट हो रहा है? नहीं ना, तो किसके वजह से मूवमेंट हो रहा है? मसल्स। तो ये मसल्स की वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। फिर आ गया आपका जॉइंट्स, ये हमारा जॉइंट्स आ गया। तो अगर आप मसल और जॉइंट को स्टेग्नेशन में ले आए तो हमारा शरीर मूव नहीं हो सकता, स्टिफ हो जाएगा। तो विंड का कनेक्शन हमारे शरीर के जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं, जंक्शंस हैं, और जितने भी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उसके साथ हमारे शरीर में जो हमारा विंड की हम बात करते हैं, विंड का कनेक्शन है। तो इससे ये सार निकलता है कि अगर किसी को मसल की प्रॉब्लम हो, काफ मसल में दर्द होता हो, हाथ के मसल्स में दर्द होता हो, बॉडी के किसी भी पार्ट मसल की कोई प्रॉब्लम हो, तो समझ जाना कि हमें विंड पर काम करना है। तो आप समझ गए ना कि मसल्स की वजह से विंड आती है या मसल्स की वजह से हमारा शरीर मूव करता है। जहां पर मूवमेंट शब्द का सार जुड़ा, आप समझ सकते हैं ये तो परिवार विंड का है। तो मसल्स, लीवर, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, जितने जंक्शंस हैं, ये सारे विंड के परिवार के सदस्य हैं। तो अब लीवर में प्रॉब्लम हो तो मसल के ऊपर असर आ सकता है, मसल में प्रॉब्लम हो तो आप समझ जाना कि लीवर में असर हो सकता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा अगर कोई इंसान का शरीर थका हुआ रहता है, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप समझ जाना कि लीवर के ऊपर काम करना है। मेरिडियंस की तो हम बात करेंगे करेंगे, लेकिन अगर आज आप अजमा के देख लीजिएगा, अगर सच में आपको लगता है ना कि आप थके हुए रहते हो, एनर्जी कम रहती है, तो आप लीवर के ऊपर और गॉल ब्लैडर के ऊपर खाली कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रीटमेंट भी करना शुरू कर देंगे ना, तो भी आपको वो विंड एनर्जी का आपका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब हमने जो मूवमेंट की बात की है ना, उस मूवमेंट का खाली ये मतलब नहीं है कि आर्म एंड लेग मूवमेंट, ये तो है ही है, बट हमारा शरीर थैंक्स टू विंड एनर्जी, थैंक्स टू मूवमेंट एनर्जी, हमारे शरीर के अंदर बाहर छोटे बड़े सारे मूवमेंट विंड एनर्जी की वजह से हैं। ये आप देख रहे हैं मेरी आंखें बात करते करते थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ब्लिंक होती है, मूवमेंट होती है, मेरा लिप्स मूव कर रहा है, मेरी टंग अंदर मूव कर रही है, हार्ट, आप कहीं भी देख लीजिए हर जगह कण कण में मूवमेंट है, हार्ट मूव कर रहा है, लंग्स मूव कर रहे हैं,
हमारे थॉट्स मूव कर रहे हैं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है ना, वाटर मूव कर रहा है, हर जगह मूवमेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट है, किडनी के अंदर मूवमेंट है ना, आई बॉल की मूवमेंट है, हर जगह मूवमेंट है। तो अब देख लीजिए, कभी हमने गहराइयों से सोचा ही नहीं कि मूवमेंट वाली एनर्जी कौन सी ऐसी एनर्जी है जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। थैंक्स टू विंड एनर्जी, थैंक्स टू दिस ग्रीन कलर, प्रोफेसर पार्क जेवू ने ग्रीन कलर को विंड एनर्जी के साथ जोड़ दिया, जिस तरह की वायु है ना, मूवमेंट और नेचर, विंड नेचर में वो गति है, मूवमेंट है ना, मूवमेंट तो जितनी अच्छी मूवमेंट नेचर में है उतनी अच्छी मूवमेंट कहीं नहीं। दिन रात आप फूल खिल रहे हैं, पौधे खिल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, आज घास काटो कल उग जाती है ना, रेजुवेनेशन है, मूवमेंट है ना। सो इसीलिए तो अगर अभी वायु थोड़ी भी नहीं चल रही है तो भी आप देखो नेचर और ग्रीनरी और वुड्स का रिलेशन विंड के साथ कैसा है, मूवमेंट मूवमेंट आप पत्तों को हिलते हुए देख सकते हो। तो ये मूवमेंट एनर्जी, हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ काम हो रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर पार्क जेवू ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बड़े बड़े मेजर वर्क्स उन्होंने बता दिए। अगर हम उन्हें समझ लें तो हम इतने लाख काम अपने आप ही हार्मोनाइज कर सकते हैं। मूवमेंट के ऊपर मैं आपका ध्यान बार बार आकर्षित कर रही हूँ, क्योंकि मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, इसीलिए मैंने बोला आपको कि अगर मॉर्निंग में किसी को वीकनेस एंड थकान है तो मतलब मूवमेंट में प्रॉब्लम है ना। अब आप ये देखिए, हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स हो जाए, जॉइंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक खिसक जाए, मूवमेंट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, स्टूल मूवमेंट नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन में, वेरिकोज वेन्स है, अरे वो ब्लड गंदा खून जो है वो वापस हार्ट को प्योरिफिकेशन के लिए रिटर्न होना चाहिए, वो मूव नहीं हो रहा है। सो विंड एनर्जी, हर जगह विंड एनर्जी का मूविंग ऑफ ब्लड। सो इसी तरह से हमारे शरीर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीमारी विंड एनर्जी मूवमेंट मतलब बड़ी नॉटी एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है, बच्चों के जैसे जिसको बोलते हैं नटखट। तभी तो विंड को जोड़ते जाइए, एज के साथ भी अगर आप जोड़ दें है ना, तो हमारे शरीर में तो हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, गर्भ से निकले, गर्भ के अंदर रहे 9 महीने, गर्भ से बाहर निकले, फिर हम बड़े हुए, बूढ़े हुए है ना। अब इतने सारी जिंदगी में कौन सी ऐसी एज का साइकिल, हमारी लाइफ साइकिल में कौन सी ऐसी एज है जो विंड के साथ एसोसिएटेड है, तो समझ जाइए मूवमेंट। कौन सी एज साइकिल में मूवमेंट बहुत ज्यादा है, नटखट बहुत ज्यादा है बच्चों की एज में, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 0 से 12 ईयर्स, इनमें मूवमेंट कितना ज्यादा है। तो बच्चों की जो एज होती है वो विंड एनर्जी की होती है, तभी तो हम इसको बोलते हैं कि चंचल होते हैं। आप ये देखिए कि 0 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं, 12 ईयर्स तक के बच्चे हैं, वो बहुत नॉटी होते हैं, एक्टिव होते हैं। आज आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक जगह पर फिक्स हैं आप, क्योंकि आप अब मैच्योर हैं, बड़े हैं, आप शायद हीट एज के हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी एज के हो सकते हैं, हॉटनेस ड्राइनेस कूलनेस है, लेकिन एक बच्चा एक जगह पर 2 घंटे 3 घंटे बैठ के लेक्चर नहीं सुन सकता है। इसलिए छोटे बच्चों के टीचर्स को बहुत ही मुश्किल से संभालते हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे, केजी क्लास के, फर्स्ट सेकेंड, 12 साल तक के बच्चे, तो इनके अंदर बहुत ही नेचुरल विंड एनर्जी होती है, मूवमेंट एनर्जी होती है, और ये बच्चे कभी भी थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि मूवमेंट तो इनकी एनर्जी है, मूवमेंट तो ईश्वरीय एक शक्ति विंड एनर्जी के रूप में इनके साथ है। हमको लगता है कि वो थक गए, लेकिन नहीं, वो नहीं थकेंगे क्योंकि उनके अंदर विंड एनर्जी होती है। इसीलिए हर, मैं इतने सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपके गहराइयों तक, सोल के गहराइयों तक उतर जाए कि विंड एनर्जी दिखती कैसे है ना। तो मूवमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप समझ जाएंगे कि विंड एनर्जी है। ये मूवमेंट खाली बॉडी की नहीं है, बॉडी के अंदर मूवमेंट है तो समझ रहे हैं प्रॉब्लम है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में माइंड के अंदर भी मूवमेंट की अगर प्रॉब्लम है। आप देखिए कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं, विंड एनर्जी मतलब चेंज, हेट्रो
है ना, एक्टिविटी हेट्रो चेंज. सो कभी मूड स्विंग्स आ रहे हैं, कभी मूड ऊपर जाता है, कभी मूड नीचे जाता है, जैसे बच्चों की तरफ. तो यही एक्टिव एनर्जी हर डिजीज में आप देख डालिए तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर डॉक्टर ये कहते हैं ना कि चंचल है, आपके थॉट्स बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी खुशी आ रही है, ये क्या हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजिंग फिनोमेना हो रहा है. सो विंड एनर्जी के साथ चेंजिंग भी आ जाता है. तो जितने भी मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको देखना है कि ये लिवर और गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है, और अनाथा चक्र से, और लिवर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, एंड फंक्शनली लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन. और ब्लड के मूवमेंट में प्रॉब्लम है, समझ गए आप, है ना. तो अब ऑल्सो जैसे बच्चे होते हैं ना, सामने आते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, है ना, आए और फिर छुप गए. इस तरह से कभी कभी डिजीज उभर के आती है और फिर छुप जाती है, चली जाती है, फिर अचानक आ जाएगी, फिर चली जाएगी, अपेयरिंग एंड डिसअपेयरिंग हो जाएगा. ये क्या चीज है, ये भी एक मूवमेंट, चेंज मूवमेंट. बच्चों जैसी चंचलता अगर आपको बीमारी में दिख जाए तो आप ये देख लेना कि बीमारी कौन सी एनर्जी को प्रतिनिधित्व कर रही है. एक्चुअली हजारों बीमारियां होंगी, यही तो सिक्स की सुंदरता है. सुजोग साइंस में जब हम थर्ड लेवल पढ़ते हैं, सिक्स की पढ़ते हैं, तो इसकी गहराइयों में हम और डूबते उतरते चले जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंप्लीफाई होने लगता है. हजारों बीमारियां हैं, लेकिन फाइनली अगर आप एनर्जीज को समझ जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी किसी ना किसी एक एनर्जी के नीचे है. बस आपका काम क्या है इलाज करते समय, ये बीमारी किसी ना किसी एनर्जी के अंतर्गत है. तो अगर कोई बीमारी ऐसे उभर रही है, छुप रही है, तो आप समझ जाएगा कि ये तो विंड एनर्जी है. फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा स्टार्टिंग मोमेंट. विंड एनर्जी जो है, एक न्यूली बॉर्न बेबी एज इफ जब मदर के वूम से बाहर आती है तो विंड एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती है ना. उसके बाद 12 साल के बाद हीट एनर्जी का टाइम आ जाता है. तो विंड एनर्जी को हम साइकिल में सबसे पहला, लाइक जैसे आप डे साइकिल को देख लीजिए, है ना. तो स्टार्टिंग मूवमेंट, विंड एनर्जी की खूबसूरतियां, एक तो आपने मूवमेंट को अच्छे से समझ लिया, मूवमेंट है. दूसरा चेंज विंड एनर्जी की, कुछ तीन चार बोल्ड पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे ना, तो आप विंड एनर्जी को बीमारियों में भी पहचानना शुरू कर देंगे. हीट, फिर विंड एनर्जी की एक खूबसूरती है स्टार्टिंग मोमेंट. जिस तरह से बचपन, आपकी लाइफ साइकिल बचपन से शुरू हुई, वो स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज विंड एनर्जी. ये आपका बोल्ड पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ एनी साइकिल इज विंड एनर्जी. तो इस तरह से आपके अगर बॉडी की कोई एक्टिविटी में स्टार्टिंग मोमेंट में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए हर चीज में विंड एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करिए. स्पीच में, स्पीच में हम बातें कर रहे हैं, अब जब हम बात करते हैं ना, अब मैं बोल रही हूँ ना, तो हमें सिक्स की सिक्स एनर्जीज चाहिए, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस. तो बातचीत करने में भी एनर्जीज का प्रभाव दिखता है. तो स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ ईच सेंटेंस विल बी विंड एनर्जी. अब आप देखो, कई लोग स्टैमर करते हैं, कई लोग स्टार्टिंग में स्टैमर करते हैं, कई लोग मिड में स्टैमर करते हैं, कई लोग लास्ट में स्टैमर करते हैं. तो विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, सो ये छह एनर्जीज को आप पकड़िए कि इस इंसान को बोलने में कौन से स्टेज में तकलीफ होती है. स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ एनी साइकिल इज विंड एनर्जी, यू हैव अंडरस्टूड. तो अब देखिए, अब मैं बात करूंगी, जैसे कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं देखिए कैसे बोलूंगी. आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, पीछे के सारे शब्द मैंने अच्छे से बोल दिए, कहाँ जा रहे हो, लेकिन आप बोलने में मुझे तकलीफ हुई, आप कहाँ जा रहे हो. तो मतलब स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ स्पीच किसकी प्रॉब्लम हो गई, विंड की प्रॉब्लम हो गई. समझ रहे हैं ना, विंड को समझ रहे हैं, स्टार्टिंग मोमेंट. इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का हर स्टार्टिंग प्रोसेस विंड एनर्जी में आता है, ब्रीदिंग में, हर सिस्टम में स्टार्टिंग मोमेंट इज विंड. तो इसलिए स्टार्टिंग मोमेंट में कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो विंड एनर्जी में आता है. हालांकि बहुत डिटेल सिक्स के में हम पढ़ते हैं कि स्पीच में जाकर हम जाकर विंड को टोनिफाई करते हैं और एक्सेस लॉ पर ह्यूमिडिटी को सेडेट करते हैं, है ना, जो सिक्स की टू करते हैं, रेंटिंग करते हैं, उनको मालूम है. बट
आपको इतना तो समझ में आया ना कि बिगनर्स को, अभी तो हमारा पढ़ाव सिर्फ सिर्फ बिगनर्स के लिए है, अभी मुझे यही समझाना है कि विंड एनर्जी को आप कैसे समझे, है ना। तो इस तरह से स्टार्टिंग मोमेंट हो गया आपका, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी पर हो गया, दूसरा विंड एनर्जी बहुत चंचल होती है ना, एक्टिव, बहुत चंचल नटखट होती है, इसीलिए अगर माइंड में विंड एनर्जी ज्यादा हो तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता है ना। अब आप ये देखिए, बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, टीचर पढ़ा रही है एक सब्जेक्ट को, उनको वैरायटी चाहिए, चेंज चाहिए। अगर आप चेंज नहीं कर रही है ना, क्योंकि उनको चेंज बहुत पसंद है, एक ही सब्जेक्ट को बार बार बोलते जाएंगे, उसी को लंबा बोलते जाएंगे, तो वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग उम एनर्जी चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग आपको विंड हीट हॉटनेस के बाद ह्यूमिडिटी आती है, आपको ह्यूमिडिटी एनर्जी चाहिए। इसीलिए अगर दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं या आप किसी टॉपिक पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि कौन सी एनर्जी की कमी है। हमें विंड ज्यादा है, और इसके ऑपोजिट में जब हम मैं आपको ट्रीटमेंट का पार्ट बताऊंगी तो मैं समझाऊंगी कि ह्यूमिडिटी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन के लिए चाहिए। सो विंड एनर्जी चंचल, एक्टिव, नॉटी, ये आपको कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देगी। तो माइंड में अगर विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, ब्रेन में अगर ये चंचलता बहुत ज्यादा है, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए विंड एनर्जी। तो फिर हम लोग विंड एनर्जी को सेडेशन करते हैं। अब ये सब आप सीखेंगे आने वाले टाइम में। हमारे पास दो ही तरीके होते हैं सुजोग साइंस में, या तो हम किसी एनर्जी को, जब किसी एनर्जी को हम पाते हैं कि ज्यादा हो गई है, तो हम उसको सेडेशन करते हैं बार मैग्नेट या ब्योल मैग्नेट के द्वारा। और अगर हम समझते हैं कि ये एनर्जी जो है ये डेफिशिएंट है, तो हम उसको टोनिफाई करते हैं। तो ये आप सीखेंगे। आज मुझे यही बताना था आपको कि विंड एनर्जी जो है, पहले तो हमको पहचानना है विंड एनर्जी कैसी है, एक्सेस है या डेफिशिएंट है, और फिर उसके बाद हमने उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे हार्मोनाइज। एक्चुअली टोनिफाई और सेडेशन, ये तो बहुत ही हार्मोनाइज टू वर्ड्स नहीं लगते हैं मेरे को। स्माइल मेडिटेशन के बाद प्रोफेसर पार्क जेवू ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, ना हम किसी को सेडेट करना चाहते हैं, ना हम किसी को उठाना चाहते हैं, हमारा तो सिर्फ हीलर्स का मकसद है, हम हार्मोनाइज करना चाहते हैं। तो टोनिफाई मतलब ये एनर्जी, विंड एनर्जी फॉर एग्जाम्पल बहुत ऊपर चली गई, तो हम इसको मॉडरेट लाने के लिए सेडेट करते हैं, और ये अगर बहुत नीचे है तो हम इसको मॉडरेट लाने के लिए हम इसको टोनिफाई करते हैं। फाइनल पर्पस तो हमारा क्या होता है कि मॉडरेट करना है ना। सो हमारी जो एनर्जीज हैं, अगर आप स्माइल मेडिटेशन कर रहे हैं, तब तो आपकी सारी एनर्जीज बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाती है ना। बट अगर हम स्माइल मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और हार्ड वर्क के साथ साथ मॉडरेट होती है और स्माइल भी आ जाती है। पर क्योंकि विंड एनर्जीज का जो हमारा हो सकता है और आगे की दो सीरीज में चलती रहे, और मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ, मेरा अल्टीमेट पर्पस है कि आप अपनी एनर्जी को पहचान सकें, समझ सकें कि आपके अंदर आज जो डिजीज है कौन सी एनर्जी की अव्यवस्था के वजह से है ना। तो हम इसको सीखेंगे। और एंगर हमने समझा, विंड एनर्जी का है, मूवमेंट हमने समझा, स्टार्टिंग मोमेंट का हमने समझा। अब आप देखिए, कुछ डिजीज में अगर बताओ ना विंड एनर्जी की, जैसे कि अब वॉमिटिंग आ गई, ये क्या है? विंड एनर्जी हुआ। कफिंग आ गया, हिकअप्स आ गए, हिचकियां आ गई, ये क्या है? ये विंड एनर्जी है। कई बारी फॉल्स अर्ज ऑफ डेफिकेशन होता है, यूरिनेशन बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। तो अब आप देखिए ना मूवमेंट को। अब पहले तो आपने साधारण रूप से बड़े बोल्ड वर्ड में मूवमेंट समझ लिया, अब आप देखिए हर डिजीज में देखने की कोशिश करिए, अरे ये तो मूवमेंट है। ब्लैडर में विंड एनर्जी बढ़ जाता है, बार बार यूरिनेशन होता है ना, तो फास्ट मूवमेंट हो गया। किसी किसी के माइंड में विंड एनर्जी अच्छी होगी तो न्यू आइडियाज भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, न्यू आइडियाज, विंड क्रिएशन, रेजुविनेशन है ना। जिस तरह से जीरो वर्ल्ड से बेबी बाहर आता है, तो ये न्यू क्रिएशन है ना। अब ये न्यू क्रिएशन माइंड में भी तो हो सकता है ना, तो न्यू विचार, नए विचार आना। कई बार डिप्रेशन में भी हम इसका उपयोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, स्टेग्नेशन आ जाता है, स्टेग्नेशन से माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी स्टेग्नेशन को दूर करने के लिए हम उसके ब्रेन के अंदर विंड को टोनिफाई करते हैं। ये सारे टेक्निकल चीजें आप सीखेंगे ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी तो मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि विंड एनर्जी है क्या,
कैसे है। जब खाली टोनिफिकेशन एंड सेडेशन सीख लिया तो उससे काम नहीं बनेगा, जब तक आपके गहराइयों में ना समा जाए कि ये एनर्जी कैसी होती है ना, और तब जाके आप इसको टोनिफिकेशन एंड सेडेशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। वर्टिगो हो गया, डिजीनेस हो गया, है ना, इमोशनली एंगर हो गया। तो अभी विंड एनर्जी के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े एडवेंचरस होते हैं, बिकॉज विंड है ना, एडवेंचरस होते हैं। और उनको घरों में जिनके माइंड मेंटल लेवल में विंड होता है, वो आप देखो, हम फिजिकल लेवल से भी विंड एनर्जी को समझने की कोशिश करें और मेंटल लेवल से भी विंड एनर्जी को समझने की कोशिश करें। तो जो मेंटल लेवल से ना, ये जो लोग होते हैं ना, ये घर में ज्यादा बैठना पसंद नहीं करते हैं। इनको हियर एंड देयर, दे जस्ट लाइक टू मूव हियर एंड देयर, घरों में नहीं रहेंगे, बाहर घूमना चाहेंगे, नई नई जगह में जाना चाहेंगे। तो ये विंड एनर्जी के लोग ऐसे ही होते हैं, घर में नहीं। आप अपने घर में भी देखेंगे कुछ लोग, नॉट ओनली विद मेल बट फीमेल ऑल्सो, बार बार घूमना है, घर में नहीं रहना है, उनको विंड चाहिए, मूवमेंट। सारी बात आ गई मूवमेंट के ऊपर, है ना, और इस तरह से एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है। और दूसरा वर्टिगो, जैसे मैंने बताया, वर्टिगो इज अगेन लीवर पैथोलॉजी। एंड देन मेंटल लेवल पर ओरिजिनैलिटी, प्योरिटी, ओरिजिनैलिटी होती है विंड एनर्जी में, एक मासूमियत भी होती है, ओरिजिनल होता है, जिस तरह से ओरिजिनल, जैसे कि सच, जैसे कि एक बच्चा घर में है और बाहर से बेल बजती है, कोई मेहमान आता है, तो बच्चे के फादर बच्चे को बोलते हैं, उसका मन, बच्चे के फादर का मेहमान से मिलने का मन नहीं होता है, तो वो बच्चे को बोल देता है कि जाओ दरवाजा खोलो और मेहमान को बोल दो कि पापा घर में नहीं है। ठीक है, अब ये बच्चा तो विंड छोटा है, विंड एनर्जी एज का ग्रुप, एज विंड एज का है, और मासूमियत है, ओरिजिनलिटी है ना, ईश्वर के घर से आया है, छोटा सा बेबी है, बेबी से बच्चा है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ओरिजिनलिटी बहुत ज्यादा है, जैसा है वैसा बोलेगा, सच्चाई। तो वो बच्चा बोलता है गेस्ट को कि पापा मेरे बोल रहे हैं कि वो घर में नहीं है, इतना मासूम, घर में पापा बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं घर में नहीं हूँ। देखा कितना ओरिजिनल अपना रूप दिखाया, ये ओरिजिनलिटी है। सो बड़े ही विंड एनर्जी के लोग ओरिजिनलिटी में ओरिजिनल क्वालिटीज होती हैं, बट देन कभी कभी ये एक्सेस ओरिजिनलिटी डिजीज का रूप भी ले लेती है ना। अब आप ये देखेंगे मेंटल, जब आप मेंटल लेवल की स्टडीज करते हो तो क्या होता है, डिजीज की मैं बात कर सकती हूँ मेंटल लेवल पर। कोई चीज नहीं है एग्जिस्टेंस में, रियलिटी में नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ये विंड एक्सेसिवनेस है, ओरिजिनलिटी का ये जो एक्सेसिवनेस है, तो आप उस चीज को भी अपनी लाइफ में रियल समझने लगते हैं। आपने वो पिक्चर कोई देखी होगी, एक पिक्चर में, कौन सी वो पिक्चर का नाम है जिसमें संजय दत्त, महात्मा गांधी, मतलब ओरिजिनलिटी, ओरिजिनली वो नहीं थे, लेकिन उनको हमेशा लगते थे, लगता था कि बापूजी मेरे साथ चल रहे हैं, है ना, रियलिटी, वो उनसे बात करते थे, इतनी ओरिजिनलिटी, इतनी ओरिजिनलिटी। आप बच्चों को भी आप देखें, मतलब वो रियलिटी में जी रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि वो है। तो ये एक्सेसिव ऑफ विंड है, ओरिजिनलिटी ज्यादा है। आप ये देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार अपनी मम्मी की साड़ी बांध लेते हैं, चुन्नी को साड़ी ड्रैप करके घर में ऐसे बिहेव करेंगे, कई बार कमरा बंद करेंगे कि वो टीचर टीचर खेल रहे हैं, गुड़ियों को आगे बिठा लेंगे कि वो बच्चे बन जाएंगे, क्लासरूम बन जाएंगी। और जब आप उसको पर्दे के पीछे से चुपचाप छाँक के देखना, बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे वो क्लास रियल है, वो खुद के रियल टीचर हैं, उनमें वो इमोशंस भी आएंगे, वो बच्चों को डांट रहे हैं, गुस्सा भी सच का आ जाता है उनको कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने क्लास वर्क नहीं किया, तुमको मैं मारूंगी, है ना। तो ऐसे ही मैं कई बार अपनी छोटी, जब बहुत साल पहले अपनी बेटी को देखा करती थी, तो वो ऐसे ही थी, तो मुझे लगता था कितनी ओरिजिनलिटी में डूबी हुई है। ओरिजिनल नहीं है वो सीन, लेकिन वो माइंड उसका इतना ओरिजिनलिटी में डूबा हुआ है कि वो जो सीन नकली है वो एकदम रियल सीन भी हो गया। ये होती है मेंटल लेवल कैसा है। तो हम लोग समझ जाते हैं एनर्जीज की सुंदरता यही तो है, कि आप एनर्जीज को अच्छे से समझ जाए ना, तो आप निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं,
फिजिकल लेवल पर ये कौन सी डिजीज है, विंड लेवल की डिजीज है, हीट लेवल की डिजीज है, माइंड लेवल पर कौन सी डिजीज है, विंड लेवल की है, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, इमोशन लेवल पर कौन सी डिजीज है, कभी गुस्सा आता है, कभी उदासी आती है, कभी एंग्जाइटी होती है, ये सब क्या है, एनर्जीज ही तो है, ये सब एनर्जीज है ना। सो हमारी इस सीरीज में यही चलता रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं समझा पाऊँ कि कैसे। सबसे पहले तो आप अपनी बीमारियों को समझेंगे। अगर आज सोराइसिस है तो इस सोराइसिस के पीछे कौन सी एनर्जी है, अगर आज एसिडिटी है तो कौन सी एनर्जी है, आज अगर पथरी है या डायबिटीज है या फाइब्रॉइड्स है, ये कौन सी एनर्जी है, क्या एनर्जी है ना। फिर उसके बाद पहचानेंगे कि कौन सी एनर्जी है, फिर हम पहचानेंगे कि ये एनर्जी की तार कौन सी है ना, ये डिजीज कौन सी तार है जिस तार को यूज करके हम इस डिजीज को दूर कर सकते हैं, ये एनर्जी कौन से ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है ना। तो पहले तो हमारी जर्नी यही रहेगी, अच्छे से गहराइयों से समझे। तो अगली बार फिर से हम विंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है सेकेंड सीरीज और हो सकता है नेक्स्ट थर्ड सीरीज में भी चलेंगे। यस, एंड मैं आशा करती हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और इसको यूज करेंगे। यस, See you next Friday. Thank you so much. See you. Thank you so much.